शहर में 41 साल पहले मैं इस नोएडा शहर में आया था, 1 नवंबर 1982 को मैं नोएडा में आया था। और उस वक्त कोई कल्पना नहीं कर सकता, पूरे नोएडा में कोई 2 मंजिला मकान नहीं था, कोई 2 मंजिला मकान नहीं था, यह हालत थी। तो झांक के हम देखते थे, लेकिन ये शहर बदला है, आज ये शहर इंटरनेशनल लेवल का शहर हो गया है। उस वक्त लोगों की कल्पना थी चंडीगढ़ जैसा शहर बने, फिर लोग आए गए, चंडीगढ़ तो पीछे हो गया, अब सिंगापुर जैसा शहर बने। तो अच्छी बात है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में है, हमारी महिला शक्ति आपके बीच में है, मैं सैल्यूट करता हूँ। आपके कुछ इश्यूज भी हो सकते होंगे, 26 तारीख को तो मुझे दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके लिए हूँ, मैं आधा फौजी भी हूँ, तो आपका हक मुझ पर कुछ ज्यादा है और मेरा सम्मान आपके प्रति औरों से ज्यादा है, क्योंकि दिल में एक जज्बा था और फौजी नहीं बन पाया, लेकिन इस जीवन में भी यहां भी आकर यहां की जिंदगी भी मुझे फौजियों से जीने को मिली, ये शहर भी फौजियों का बसाया हुआ है। ये आप लोग थे जो हिम्मत जुटाकर इस जंगलों के शहर में सबसे पहले आर्म फोर्सेस सेक्टर के लोगों ने आके शहर को बसाया है, नोएडा को भी उन्होंने बसाया है। ये हालत थी, तो मैं आपको प्रणाम करते हुए बस उस दिन एक अपेक्षा, जैसे फौजी डिसिप्लिन होता है, आप लोगों की वोटर स्लिप हम प्रयास करेंगे अगले 10 दिन में आपके पास पहुंच जाए। मोदी योगी की देश को जरूरत है, दोनों की जरूरत है। उस दिन थैंक यू सो नाइस रमेश जी, राकेश जी, मैं चाहूंगा कि उस दिन पोलिंग 100% लोगों की होनी चाहिए, और खास तौर पे इस सोसाइटी से तो मैं अपेक्षा करूंगा। अगर कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम हो, शुक्रवार है उस दिन, शनिवार इतवार गिन रहे हो, तो 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, 7 बजे वोट डाल के निकल जाना, ये मेरी प्रार्थना है। उस दिन यहाँ की पोलिंग परसेंटेज, एक एक घर को नॉक करके, मेरे युवा शक्ति मेरी माताएं बहने बैठी हैं, नॉक कर करके दरवाजे को, भैया वोट डालाओ, इतना मेरी प्रार्थना जरूर है। हमारे कार्यकर्ता भाई मुकेश जी, ये सब लोग आपके बीच में, बलराज जी, ये सब लोग आपके बीच में रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।